साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्यासी। सत्ता के नशे में लोग किस तरीके से लोगों का शोषण करते हैं, इसका जीवंत उदाहरण है अर्चना स्वसहायता समूह द्वारा धान खरीदी केंद्र में चल रहा लोगों का शोषण। जैसा कि आपको ज्ञात है कि विगत दिनों एक किसान ने सार्वजनिक तौर से मीडिया में बात करते हुए कई भ्रष्टाचार और शोषण के खुलासे किए थे, जिससे आक्रोशित होकर अर्चना स्वसहायता समूह केंद्र के संचालक राकेश अग्रवाल और उनके जीजा नागौद भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल अब किसी भी हद तक जाकर लोगों को सता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश वर्मा और उसके छोटे भाई अजय वर्मा के साथ राकेश अग्रवाल के पुत्र नितिन अग्रवाल और सलिल अग्रवाल एवं उनके दोस्तों ने जमकर मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक राकेश अग्रवाल के मित्र सुनील अग्रवाल, जो कि लोगों को तुरंत पैसे का लालच देकर धान खरीदी करता है, किसानों से खरीदी गई धान को फर्जी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपने मित्र राकेश अग्रवाल की धान खरीदी केंद्र में ले जाकर देता है और मोटा मुनाफा कमाता है। विगत दिनों 13 तारीख को एक ऐसा घटनाक्रम अर्चना स्वसहायता समूह से जुड़ा हुआ आया, जिसने कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुनील अग्रवाल ने विगत दिनों अखिलेश वर्मा और उसके छोटे भाई अजय वर्मा से धान खरीदी थी। खरीदी गई धान का वजन 40 किलो प्रति बोरी बताया गया था, जिस पर खरीदी हो जाने के बाद अखिलेश वर्मा और उनके छोटे भाई ने उस तौली गई बोरी को क्रॉस चेक कराने अर्चना स्वसहायता समूह पहुंचे, जहां पर उन्होंने पाया कि उस बोरी का वजन 40 किलो की जगह 43 किलो मिला, जिस पर गुस्साए राकेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल और उनके दोस्तों ने उन पर गंभीर हमले किए। इस हमले में फरियादी को चोटें आई हैं। घटना के बाद जब फरियादी पुलिस थाने पहुंचा तो राकेश अग्रवाल के जीजा भाजपा के मंडल अध्यक्ष दीपक अग्रवाल का कहर इस तरह रहा कि पुलिस भी उसी की जवानी उनको उल्टा फंसाने की बात करती दिखाई पड़ी। उक्त वीडियो में फरियादी यह साफ संकेत कर रहे हैं कि पुलिस जो है उनके पक्ष में कार्यवाही करने पर उनका सहयोग नहीं कर रही थी, बल्कि दीपक अग्रवाल की भाषा बोल रही थी। फरियादियों के अनुसार पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा था कि अपनी शिकायत वापस ले लो, कंप्रोमाइज कर लो, अन्यथा तुम्हें उल्टा ही हम चोरी के केस में अंदर कर देंगे। हाँ, अपना नाम बताओ। अखिलेश वर्मा। पिताजी का नाम? श्री राजकिशोर वर्मा। अपने साथ घटित घटना बताओ, क्या हुआ था? मेरे साथ एक घटना हुई है सर। हाँ। मैंने अपने भाई को एक बोरी धान लेकर भेजा। हाँ, कहाँ भेजा? अर्चना स्वसहायता समूह में। हाँ। तो एक कांटा मंगाया, यहाँ पहुँचने के बाद कांटा मंगाया पल्लेदारों से। कांटा मंगाने के बाद तोला। पल्लेदारों के सामने तुमने कांटा मंगाया था? जी, पल्लेदारों से मंगाया। ठीक। कांटा मंगाने के बाद तोल के ये कांटा उनको वापस कर दिया। अच्छा। और जैसे ये गाड़ी में अपनी बोरी रख के चलने लगा। हाँ। इसके बाद ये लोग आके उसको मारने लगे। कौन मारने लगे? नितिन, सनिल, अनिल। नितिन पूरा नाम? नितिन अग्रवाल। अच्छा, कौन है ये नितिन अग्रवाल? वो चलाता समूह चलाता है। कौन सा समूह? अर्चना स्वसहायता समूह। अच्छा। हाँ, फिर मारने के बाद फिर मेरे को बुलाया गया, मैं भी आया तो मेरे साथ भी मारने लगे। मारने के बाद बोले तुम यहीं बैठो। बैठा के फिर इन्होंने मेरे को भेज दिया, बोले तुमको ही बैठा लिया कि भाई को बैठा? दोनों को बैठा लिया। अच्छा अच्छा, इसकी सूचना तुम लोगों ने थाने में दी? जी, थाने में दी गई थी। हमारे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई थाने में। अच्छा। जैसे हम लिखवा रहे थे। हाँ। जैसे इन्होंने हमारे साथ प्रयोग किया और बोले तुम्हारे ऊपर चोरी का अंजाम लगाया जाएगा और मुकदमा चालू हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। अच्छा, ये कौन बोले? ये वहाँ के पुलिस वाले। अच्छा, फिर आगे? फिर आगे उन्होंने फिर ये धमकी दिए, तो ये वो छोटा वाला भाई वो कर लिया, उस राजी हो गया वहाँ पे। क्या धमकी दिए हैं तुमको? यही धमकी कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा कायम हो जाएगा। अच्छा,
चोरी का अंजाम लगाया गया। ठीक, हाँ अपना नाम बताओ। अजय वर्मा। कहाँ के हो? मजरा। पिताजी का नाम क्या है? राजकिशोर वर्मा। हाँ, अपने साथ घटित घटना का वर्णन करो आप, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे धान सेठ जी ने लिया था। कौन सेठ जी ने? सुनील सेठ। अच्छा, हम कुई के रहने वाले हैं। मतलब बेची थी तुमने? जी हाँ। उसके बाद हमने उसको धान बेची, दूसरे के भी धान खरीदे हमारे यहाँ के। हाँ। तो उसकी 42-43 यहाँ पास सोसाइटी में लेके आए तुलवाने के लिए, मतलब बेचे। फिर यहाँ पास वो अपने पेमेंट में डाले हैं, तो यहाँ पास तुली है, तो तुलने के बाद 42-43-44 भी धान उसकी निकली है। अच्छा, मतलब ये है कि जिसने तुम्हारा खरीदा गल्ला, प्राइवेट खरीदार ने, तो वो तुम्हारे यहाँ तौला तो 41 निकल रही है ना? 41 तोला है। हाँ। उसके बाद यहाँ सोसाइटी मिला के, मतलब कि वो स्लॉट बुक करा के डाले अपने अकाउंट में। अच्छा, वो डालते हैं अपने अकाउंट में? हाँ, वो डाले। हाँ। तो यहाँ पास 43-44 वजन उसका निकल रहा, मतलब वजन ज्यादा निकल रहा है। वजन ज्यादा निकला, तो इसी को हम अपने मतलब की तय करने, तौल को कंफर्म करने के लिए, तौल को कंफर्म करने के लिए यहाँ सोसाइटी अपनी धान एक बोरी लेके आए वजन करने के लिए कि कितना है, हमारा भी तो ज्यादा नहीं लिया है। फिर उसके बाद मैंने कांटा बाहरी मंगाया, और बाहरी कांटा मंगाने के बाद उसका वजन किया। कहाँ कांटा मंगाया तुमने? बाउंड्री के बाहर मंगाया, जाली लगी। कहाँ बाउंड्री के पास? वही सोसाइटी अर्चना सो सहायता समूह हाँ। या करता है फुटा बाबा। हाँ। तो वहीं पास जाली लगी हुई है बाउंड्री के किनारे। तो तुम वहाँ क्यों गए थे? वजन करने के लिए गया था वहाँ पास। क्या वजन? धान का वजन करने के लिए। कहे का वजन, मतलब कहे के लिए? कहे के लिए वजन कर रहे थे वहाँ सोसाइटी, वो जो सुनील सेठ ने धान लिया। अच्छा, तौल कन्फर्म कर रहे थे अपनी? हाँ ठीक। फिर तौल कंफर्म करने के लिए मैंने बोरी यहाँ पास लेके आया सोसाइटी, अर्चना सो सहायता समूह सोसाइटी में लेके आया। तो वहाँ वजन करने के लिए मैं लेके आया बोरी, तो वजन किया मैंने, बाहरी कांटा मंगाया अपने पल्लेदारों से, जो हमारे यहाँ गांव के काम कर रहे हैं ये लोग, उन्हीं से मैंने कांटा मंगाया बाहर। और कांटा बाहर मंगाने के बाद तौल किया, बोरी तौलने के बाद मैंने कांटा वापस कर दिया वहाँ पास। किसको वापस कर दिया? जो जिससे मैंने लिया था। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद वो लोग जो सोसाइटी के वो हैं डिपार्टमेंट, वो चार लोग आ रहे थे इस साइड से। कौन था? नितिन, अनिल, सनील। हाँ। तीन और बाकी उसके साथी होंगे। ये नितिन कौन है, अनिल कौन है, सनील कौन है? ये नितिन हो गया, वो जो उसका मालिक है मंडी का, और उसके मंडी का कौन सा मंडी का? सोसाइटी सहायता समूह में। अच्छा, नितिन अग्रवाल जी। हाँ। फिर और उसके साथी थे जो लोग। अच्छा, अनिल सनील जो नाम हुआ। हाँ हाँ। फिर वो आए यहाँ पास, बोले कि ये बोरी चोरी करके ले जा रहा है यहाँ से। मैंने बोला भाई कि मैं बोरी चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं घर से लेके आया हूँ बोरी वजन करने के लिए कन्फर्म। तो मेरी बात नहीं सुनी उन लोगों ने, सीधे मेरे को मारना स्टार्ट किया। तुमको? जी। तो जिनको तुमको जिन्होंने मारा, तुम उनको पहचान लोगे? हाँ, मैं चेहरे से पहचान लूंगा। मारपीट की सूचना तुमने थाने में दी? जी दी थी। तो क्या हुआ उसमें? थाने में दी तो बोले कि भाई तुम यहीं पास निपटारा कर लो, आगे जाओगे तो तुम ही फंसोगे। तुमने लिखी सूचना दी थी थाने में? जी, हमने आवेदन दिया था, मतलब कि वही लिखवाए थे तो हमने लिखे थे। किसने वहाँ लिखवाया था? वही के वो क्या नाम तो मेरे को। अच्छा, पुलिस वाले जो भी वहाँ ड्यूटी में रहे होंगे। हाँ। क्या लिखाया उन्होंने तुमसे? आवेदन लिखवाया, बोले कि भाई आवेदन लिखो। हाँ। आवेदन मैंने लिखा वहाँ पास। हाँ। आवेदन लिखने के बाद वो उनको नितिन को बुलाया, यहाँ के सहायता समूह के मालिक को, नितिन अग्रवाल को। वहाँ बुलाने के बाद फिर बोले भाई, वो पुलिस वाले बोले कि भाई निपटारा कर लो, अगर आगे जाओगे तो तुम्ही गुम होगी, ज्यादा कार्रवाई की जाएगी तुम्हारे ऊपर ही। क्या कार्रवाई की धमकी दे रहे थे तुम्हारे ऊपर? बोले कि तुम्हारे ऊपर ही सब आरोप जाएगा, चोरी का आरोप तुम्हारे ऊपर लग जाएगा। हाँ। इसी की तो फिर हम वहाँ। और तुम्हारे साथ जो मारपीट हुई उसकी कोई जांच नहीं कर रहे थे? नहीं, उसकी कोई जांच नहीं किया। बोले थे पुलिस वालों से, बोले थे कि भाई तुम हम मेडिकल कराएं कि ना कराएं। बोले कि क्या करो कि मेडिकल करा के क्या रखा है मेडिकल में, फिर हम मेडिकल भी नहीं कराए। अच्छा, तो तुम्हारे साथ बाहर मारपीट हुई कि और किसी के साथ हुई? मेरे साथ हुई। फिर मेरे बोले कि तुमको बोरी तोलने के लिए किसने भेजा? हाँ। तो मैंने बताया कि मेरे बड़े भैया ने भेजा, वो घर में है। हाँ। बोले कि उसको भी बुलाओ, तो हम बड़े भैया को बुलाए तो उसको भी मारने लगे वो लोग। अच्छा, तुम्हारे बड़े भाई को भी मारा? हाँ। क्या नाम है तुम्हारे बड़े भाई का? अखिलेश वर्मा। अच्छा ठीक। जबकि यहाँ पर देखा जाए तो SC ST वर्ग के साथ मारपीट करने, गाली गलौज करने पर उल्टा धाराएं दीपक अग्रवाल और उसके साले राकेश अग्रवाल सहित उसके सहयोगियों पर लगनी चाहिए। सतना जिले से इस वर्ग की मंत्री हैं प्रतिमा बागरी। अब यह देखने वाला सवाल होगा कि क्या प्रतिमा बागरी इस मामले पर हस्तक्षेप करती हैं या कि संगठन के दबाव में अपनी
सहयोगी जातियों पर अत्याचार बर्दाश्त करती है। हालांकि ताजा मिली जानकारी के अनुसार फरियादी आगामी समय में सतना एसपी सहित कलेक्टर को ज्ञापन देने पर भी विचार कर रहे हैं। फरियादियों के मुताबिक यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो आगामी समय में वो आंदोलन भी कर सकते हैं। खैर, वो आंदोलन करेंगे या नहीं करेंगे ये आगामी विषय है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद।